नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडिजेट। जनपद हाथरस से इस वक्त की खबर। मुरसान पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग के चार सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चारों अभियुक्तों से चार चोरी की मोटरसाइकिल, चार अदद तमंचा, छह जिंदा कारतूस, 315 बोर के बरामद किए। मुरसान इलाके में चोरी की वारदातों को लगातार दे रहे थे अंजाम। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी तीन अभियुक्त हैं फरार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम ने जटोई पुलिया थाना मुरसान के पास से की गिरफ्तारी। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने खुलासा कर चारों अभियुक्तों को भेजा जेल। पुलिस कप्तान विक्रांत वीर सिंह ने मुरसान पुलिस व एसओजी टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। समाज एडिजाइट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साथी गैंग का, लुटेरे गैंग का खुलासा किया गया, क्या है पूरा मामला सर? कितने आरोपी पकड़े गए? ये एक बहुत ही अंतर जनपदीय क्रिमिनल गैंग का खुलासा किया गया है। ये हमारे जो मथुरा कासगंज रोड पे इस गैंग ने कई घटनाएं मथुरा में, अलीगढ़ इगलास में, हमारे यहाँ मुरसान क्षेत्र में कर रखी थी। इस लगातार घटनाएं तीन चार चोरी की हुई थी, लूट की हुई थी। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में, सीओ के नेतृत्व में एसओजी और मुरसान की टीम लगाई गई थी। एसओजी के द्वारा और मुरसान पुलिस के सहयोग से इस घटना को वर्कआउट किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा चार मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है। हमारे यहाँ तीन चोरी की और एक इगलास की लूट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनके पास से अच्छे असलहे बरामद हुए हैं। जो पूर्व के अभियोग थे उसमें इनका चलान किया जा रहा है, और जो असलहे इनके बरामद हुए हैं, चोरी की अन्य गाड़ियां बरामद हुई है, उसके आधार पर नवीन अभियोग पंजीकृत करके इनको चलान किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है, और इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी और मुरसान की टीम को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की।